अनुपमा में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे कैरेक्टर यशदीप को, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत बढ़िया बॉन्ड शेयर करते हैं रूपाली और मैं, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं। मैं टेलीविजन में ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर को जानता हूँ जिनकी अगर मैं बम्बईया लैंग्वेज में बोलूँ तो फटती है थिएटर करने से। मैक्सिमम काम होता है रूपाली के साथ ही होता है, तो मैं नया नया आया तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं 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 आप उनके बीच में कैसे आ रहे हो, ये हमें वो बहुत पसंद है। तू अच्छा बोल, तू भला बोल, तू बुरा बोल, तू मुझे नापसंद कर, तो पर्सनल अटैक्स मत कीजिए। हालांकि अब जितना पर्सनल अटैक कर लूं मुझे फर्क नहीं पड़ता। सर सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है पटेल रिपोर्टर पर। थैंक यू। सैलेंस आपने एक और अंदर सीजन 2 के साथ आ रही है, और मैं इस सीजन 2 की बात करूं तो कितना डिफरेंट होने वाला है, स्पेशली आपके कैरेक्टर के शेड्स के बारे में कुछ बताएं। साइलेंस 2 नाइट आउल बार शूट आउट, साइलेंस 1 कैन यू हियर इट से अलग है, बेटर है, इंट्रीगिंग है और बड़ी है। हमारे जो चार कैरेक्टर्स हैं, इंस्पेक्टर अविनाश, एसीपी अविनाश, इंस्पेक्टर राजगुप्ता दैट इज़ मी, इंस्पेक्टर संजना, इंस्पेक्टर अमित, हम लोगों ने वहीं से कैरी फॉरवर्ड किया है साइलेंस 1 से जो हमने वहाँ पे छोड़ा था, और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मोर लेस सेम है। तो अलग ये होगा कि फिल्म बहुत बड़ी है पिछली साइलेंस से, और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा फैली भी है, बहुत ज्यादा कास्ट है इसके अंदर, एंड और हमारे लिए बहुत मेहनत है पूरी स्पेशल क्राइम यूनिट के लिए, क्योंकि हमें लगता है कि हम केस के एंड तक पहुंच गए हैं, लेकिन वो अंत नहीं होता, वो एक और नए रास्ते की शुरुआत होती है। ये जो एनवायरनमेंट जो सेट पर है सर, तो सेट पर सभी एक्टर इतने ज्यादा ब्रिलियंट है, क्या कहना चाहिए, कैसा माहौल बन जाता है? मनोज सर के साथ काम करना, तो मतलब सबसे पहले मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड खुशनसीब मानता हूँ कि मैं मनोज सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने उनके साथ एक ही फ्रेम शेयर की, एक ही फ्रेम क्या शेयर की, मैंने उनके साथ दो दो फिल्में शेयर कर ली, और हर फिल्म में कम से कम दो दो ढाई ढाई महीना मैं उनके साथ रहा, और ये मेरी बहुत खुशनसीबी थी। और जब आप एक बहुत अच्छे एक्टर मतलब मनोज सर जैसे एक्टर के साथ आप काम करते हो, तो आप अपने आप आपका बेस्ट बाहर आता है। तो कई बार देखने वाले बोलते हैं कि आपकी साइलेंस वन में आपका काम बहुत अच्छा था, तो इसका बहुत श्रेय तो ऑफ कोर्स राइटर डायरेक्टर्स का तो है ही है जो काम निकाल रहे हैं, लेकिन आप किन के साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं उसका बहुत प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो ये एक है, लोगों ने इतनी हमारी साइलेंस 1 की भी तारीफ की, मेरे काम की तारीफ की, साइलेंस 2 तभी आज ही रिलीज़ हुई है और जो रिव्यूज़ आए हैं अब तक के तो बहुत बढ़िया हैं, 3-3.5 स्टार हैं। हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ये वीक ख़त्म हो, थोड़ा वीकेंड फ्राइडे सैटरडे संडे के अंदर और बढ़िया इसकी व्यूज़ बढ़े और कैसे आए, लेकिन उम्मीद पूरी है कि अगर शुरुआत इतने अच्छे रिव्यूज़ से हुई है, इतनी अच्छी रेटिंग से हुई है, सो आई एम श्योर आने वाले 1-2-4 दिन के अंदर ये भी साइलेंस 1 के जैसा तहलका मचाएगी। बिल्कुल होगा सर, जरूर होगा। अगर आपके अनुपमा के कैरेक्टर यशदीप के अंदर बात करूं तो फैंस तो बखूबी प्यार दे रहे हैं, लेकिन फिर आते हैं कुछ टॉक्सिक फैंस जो कि हेट देते हैं, रियल और रियल लाइफ में फर्क नहीं समझते हैं, है ना? तो क्या कहना चाहेंगे, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट यस, अनुपमा में बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मेरे कैरेक्टर यशदीप को, बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा अच्छा टाइम है, मतलब मेरा शो भी 1 चल रहा है और मैं हिंदुस्तान के 1 एक्टर के साथ मेरी फिल्म भी रिलीज़ हुई है, मेरा एक प्ले भी चल रहा है वो भी बहुत बढ़िया चल रहा है, तो मैं हर माध्यम में काम कर रहा हूँ, गॉड इज़ सो काइंड, नज़र ना लगे। और जो टॉक्सिक फैंस की आपने बात की है, और देखिए लोगों का प्यार करने का तरीका है, और शायद मैं अगर नया नया होता इस लाइन के अंदर ना, तो मैं इन चीज़ों से इफ़ेक्ट कर लेता, क्योंकि अब इतने साल यहाँ पे दिए हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि यार वो इंसान ना अपना प्यार करने का तरीका है वो इस तरह से दिखा रहा है तो बुरा नहीं लगता। तू दिखा भाई, तुझे जैसे दिखाना है दिखा, लेकिन दिखाते रहे भैया, तू प्यार नहीं दिखाएगा तो मुझे दिक्कत होगी। तू अच्छा बोल, तू भला बोल, तू बुरा बोल, तू मुझे नापसंद कर, लेकिन तू देखते रहे शो को। तो बदनाम होके नाम हो रहा है, कोई बात नहीं, नाम हो रहा है ना, तो तू भैया बदनाम करते रहे,
तुझे पसंद नहीं है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट, मुझे पता है कि ये लोग, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं नया नया आया तो बहुत लोगों ने बोला कि नहीं, आप उनके बीच में कैसे आ रहे हो, ये वो, हमें वो बहुत पसंद है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 में से 5 लोग ऐसे थे, लेकिन अब 3 महीने के बाद 10 में से सिर्फ एक ही इंसान या 2 इंसान ऐसे रह गए जो बोलता है कि नहीं, आप नहीं। बाकी सब लोगों को भी यशदीप बहुत पसंद आने लगा है एंड उनको समझ में आया है। और वो जो बाकी 1-2% लोग हैं, या तो उन्हें ये समझ ही नहीं कि भैया ये हम हमारे मन से नहीं करते, ये राइटर्स होते हैं, क्रिएटिव्स होते हैं, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, इनका कॉल होता है। तो और वो लोगों को ज़्यादा समझ है इस चीज़ की कि कैसा करना चाहिए। तो पर्सनल अटैक्स मत कीजिए, हालांकि अब जितना पर्सनल अटैक कर लूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अटैक करते रहे भैया, तेरा मन कर रहा है करते रहे, एज लॉन्ग एज वो अटैक तो मेरे पे कर रहा है, आई एम हैप्पी, करते रहे। बिल्कुल, शोमल बली रामली के साथ आपकी जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया जा रहा है। ऑफ स्क्रीन किस तरह की बॉन्ड शेयर करते हैं आप और उनके के सेट पर सबसे ज्यादा क्लोज कौन है आपके? बहुत बढ़िया बॉन्ड शेयर करते हैं रूपाली और मैं, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे को पहले से जानते भी हैं, हमने काम भी किया है बहुत पहले, 1 दशक से ज़्यादा हो गया। तो ऐसा कुछ मतलब अनकंफर्टेबलनेस था नहीं हम दोनों के बीच में, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को सेट पे जानता था। सुधांशु दोस्त हैं, डायरेक्टर मेरे बहुत अच्छे दोस्त पहले से हैं, कई सालों से हैं। और अब मैं पिछले 3 महीने से जो शूट कर रहा हूँ, और मेरा मैक्सिमम काम होता है रूपाली के साथ ही होता है। तो यस, अनडाउटेडली सबसे अच्छा बॉन्ड तो रूपाली के साथ ही है। और दूसरे, हमारा जो हमारी जो माँ बनी है, मेरी माँ जो बनी है बीजी, उनके साथ मेरा बहुत स्पेशल बॉन्ड है। दिशी जी है, दिशी दुग्गल जी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत कुछ सीखने मिलता है उनसे, और सीनियर हैं काफ़ी, बहुत स्वीट है। और हमारा जो स्पाइस एंड चटनी का गैंग है, उनके साथ भी मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि मैं अमूमन सारे सीन्स उन्हीं के साथ करता हूँ। मैक्सिमम सीन्स रूपाली के साथ ही होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम उसी के साथ बिताता हूँ और मैक्सिमम बॉन्डिंग उसी के साथ है, क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो बड़ा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। बिल्कुल, साइलेंस में कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, जसदीप का कैरेक्टर भी अलग है। जब आप एक ही टाइम पे दो डिफरेंट स्टोरी पर काम करते हैं लाइक कितना चैलेंजिंग होता है, और इनमें थोड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा ही मतलब एक ही चीज मतलब यहाँ पे भी प्ले करना है आपको करना है, तो कितना लाइक आपके पर प्रेशर होता है चीज का? प्रेशर तो होता है। मैं इसको और थोड़ा सा आपको करेक्ट करते हुए इसी चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ कि ये 2 नहीं, मैं 3 कैरेक्टर कर रहा था। मतलब मैं यशदीप तो प्ले कर रहा हूँ, जो बहुत ही रोमांटिक, बहुत नाइस, लाइकेबल इंसान है। इंस्पेक्टर राजगुप्ता जो है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ऑनेस्ट कॉप है, बिल्कुल उसकी बॉडी लैंग्वेज भी वो है, बात करने का तरीका भी वो है। जो मैं प्ले कर रहा हूँ, नाटक कर रहा हूँ, दिल अभी भरा नहीं, उसके अंदर मैं बिल्कुल कॉमन इंसान और कॉमेडी प्ले कर रहा हूँ। आउट एंड आउट मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग है, मेरे बात करने का तरीका अलग है। वो एक लाइन सीधे से नहीं बोल सकता है कि मतलब, अगर उसको बोलना कि नहीं, क्या 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 किया, मैंने थोड़ी ना किया, मैं नहीं किया था, मैंने नहीं। वो इस तरह से बात करता है, उसे खड़े रहने का तरीका अलग है, अंडर कॉन्फिडेंट बंदा है वो, और थोड़ा सा डरा हुआ है और डरता है लड़कियों से बात करने में भी, उस तरह का कैरेक्टर है। तो मैं ये 3ों कैरेक्टर कर रहा था, और चैलेंजिंग होता है फॉर श्योर, लेकिन एक एक्टर के लिए यही सबसे बड़ी कमाई है, और यही वो आई थिंक सोचता है कि उसको ग्रो करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाए। तो मैं हर 1.5-2 साल के बाद थिएटर करता ही इसीलिए हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि टीवी करते करते आप थोड़े से डिटोरिएट हो जाते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ हो जाएगा, अरे लाइन बता देना सेट के ऊपर। आप इन चीज़ों से बचें, थिएटर करिए, आप अपने बेसिक्स पे वापस जाइए, अपने आप पे काम करें। मैं इसलिए थिएटर करता हूँ। और आप अपनी लिमिट तो देखिए, आप कहाँ तक जा सकते हैं कि यार ये कैरेक्टर नहीं, ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप एक एक्टर हो, ट्राई करो अपने आप को वहां डाल के, ऐसी सिचुएशन में डालो जो आपका कंफर्ट जोन नहीं है, अपने आप को चैलेंज करो, तब आपकी ग्रोथ होगी एज एन एक्टर। तो मैं इसलिए वो करता हूँ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि बहुत डिफिकल्ट होता है आपको। आज मैं एक अलग तरीके से सोच रहा हूँ, आज मैं यशदीप हूँ। स्माइल, वो लोग बोलते हैं आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और आप स्माइल करके बात करते हो, बहुत लाइकेबल है, बहुत लवेबल है, बहुत केयरिंग है। और वहीं पे मैं आपको, अगर आप साइलेंस 2 में देखें, मेरे बाल अलग तरीके से बने, थोड़े और चपटे से बनाए हैं बाल, और मैंने अपनी मूछें उसमें ग्रो करी थी, और बहुत स्ट्रेट स्टर्न बात करने वाला, ऑनेस्ट है, और बिल्कुल आंखों में आके देख के स्ट्रेट एक लाइन में बोलने वाला, ही मीन्स व्हाट ही सेज। और वहीं पे जब मैं
अपना प्ले करता हूँ उसके अंदर बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट बात नहीं कर पा रहा है, वो आँख नहीं मिला पा रहा है और मतलब अपने कपड़ों से और मतलब कॉलर से ऐसे फिजिट कर रहा है कि नहीं, वो तो डिफिकल्ट होता है। लेकिन इसी का मज़ा है, यही चीज़ है जो एक एक्टर को किक देती है और यही चीज़ है जो हम करने के लिए यहाँ पर आए हैं, अलग अलग किरदार अलग अलग तरीके से लोगों को एंटरटेन करें। मेहनत तो बहुत होती है लेकिन मेहनत करने से कौन पीछे हट रहा है, मेहनत ही करने आए हैं, मेहनत करवाइए और मेहनत करवाइए, हम तैयार हैं। थोड़े बिल्कुल बिल्कुल पहले थिएटर बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है कि थिएटर वाला बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन थिएटर वाला उस चीज को पूरा एंड तक निभाने की कोशिश जरूर करेगा, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी थिएटर की प्रिपरेशन वो होती है और थिएटर करना हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। मैं टेलीविजन में ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर को जानता हूँ जिनकी अगर मैं बम्बई लैंग्वेज में बोलूँ तो फटती है थिएटर करने से। वो लोग कहते हैं यार नहीं यार, 2 घंटा स्टेज पे रहना, पूरा 80-90 पेज का प्ले, पूरा बाय हार्ट याद करना, अपनी लाइन के साथ साथ अगली वाली की लाइनें भी याद होनी चाहिए, आप बाहर निकलोगे एंट्री एग्जिट कपड़े भी चेंज करना, क्या भाई ये नहीं होगा यार, ये मत कराओ यार, वो बहुत एक एक दो दो लाइन बोल दो, एक एक्सप्रेशन में यूं देखा हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, लड़की आ रही है, रोमांस कर लिया, 4 लाइनें वही जो एक आप सीरियल में बोलते हैं वो बोल दी, तो वो कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर आप कंफर्ट जोन में रहोगे। हमारे में खुजली है भैया, हमें कुछ अलग भी करना है, नया भी करना है, अपने आप को चैलेंज भी करना है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि थिएटर करें और वो किरदार करें जो अमूमन मैं थिएटर करता हूँ, सिर्फ कॉमेडी करता हूँ क्योंकि मुझे स्क्रीन पे कोई कॉमेडी देता नहीं है, इसलिए आप अगर मेरी सोशल मीडिया पे मेरी रील्स भी देखें तो मैं सिर्फ कॉमेडी रील्स बनाता हूँ, क्योंकि जब मैंने एक्टिंग करना शुरू की कॉलेज में था स्कूल में था तो मैं कॉमेडी प्लेस करता था और मुझे ऐसा लगता था मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता कोई कॉमेडी, मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा है, आज भी है, सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं टीवी में आया और फॉर्चुनेटली तो एज अ रोमांटिक हीरो आया तो मैं 10 साल तक रोमांस ही करता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से लोगों को बोलना पड़ा यार रोमांस कर करके बोर हो गया कुछ दूसरे दो, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा ग्रे किया, नेगेटिव किया, फिर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किया, लेकिन कॉमेडी आज तक मुझे किसी ने स्क्रीन पे नहीं दी, तो मैं वो अपनी सारी खुजली जो है थिएटर करके और रील्स में मिटाता हूँ, पर आई एम श्योर कोई ना कोई देगा मुझे, ज़रूर कोई ना कोई देगा कॉमेडी। साइलेंस के अलावा और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आपके पढ़ने में देखिए, साइलेंस 2 मैंने ख़त्म की और उसके कुछ ही टाइम के बाद से मैं अनुपमा शूट करने लगा। अनुपमा में क्योंकि मैं एक अहम भूमिका में हूँ तो मेरे बहुत से दिन वहाँ पे जा रहे हैं, तो और मैं वेट कर रहा था कि साइलेंस रिलीज हो जाए पहले, उसके बाद मैं कुछ और पिकअप करूं, तो अभी 2-3 फिल्में और आई हैं मुझे, अभी मैंने कुछ उनसे नेक्स्ट वीक में उनसे मिल के बात करूंगा कि क्या है, क्या रोल है, किस तरह का क्या चाह रहे हैं, कितना काम है और कितने दिन रिक्वायर्ड है। अनुपमा में मैं भी अभी हूँ, कितना रहूँगा, कितना और टाइम तक क्या वहाँ पे कितने दिन की रिक्वायरमेंट है, प्लस मेरा प्ले भी चल रहा है, तो मेरे पास वक्त वैसे तो है कि मैं कुछ और एक शूट करूं, तो अब क्या लूंगा क्या आएगा, ये फिल्म आज आई है कैसी जाती है, इसके बाद हम तो काम करना चाहते हैं, लोग काम करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे ये भी देखेंगे, और अभी 2 ऑफर्स हैं, सो लेट मी डिसाइड कि अभी ये फिल्म 1 हफ्ता चले जाए उसके बाद फिर उनसे मिलके कि क्या फिल्म है, किस तरह की है, कहाँ करना चाह रहे हैं, क्योंकि फिर मुझे टाइम भी देखना पड़ेगा, अनुपमा भी है वो भी है, तो लेट्स सी, आई एम होपिंग कि अच्छा कुछ और काम आए, अलग तरीके का काम आए, ताकि मैं अपने ऑडियंस को कुछ अपने आप के साथ जैसे चैलेंज करता हूँ तो उन्हें भी कुछ एक नया वकार शेख देखने का मौका मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं की आपकी प्रार्थनाओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। आए मैं हूं वकार शेख और टेली रिपोर्टर के सारे दर्शकों को मेरा ढेर सारा प्यार, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मेरे सीरियल अनुपमा में बहुत पसंद किया है, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पे भी बहुत पसंद करते हैं, मेरे रील्स आप इतने पसंद करते हैं, मिलियंस में जाते हैं मेरे व्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी फिल्म साइलेंस 2 अभी अभी Zee5 पर रिलीज़ हुई है, आज ही के दिन यानी 16
अप्रैल को, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ Z5 पे साइलेंस टू नाइट आउल बार शूट आउट जरूर देखिए, और अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू।